अच्छा जी, बाकी आ रहे हैं। सर यूनिवर्सिटी 14 सितंबर से ओपन हो रही है ना? नहीं बच्चे, यकम से कहाँ पढ़ा आपने? सर पता नहीं, सुना था 14 से ओपन होगी। नहीं यार, 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी आपकी। वाओ, इतनी जल्दी? 1 सितंबर इस ट्यूसडे। ज्यादा सा रुके भी ये लोग तो मेरे ख्याल में शायद 7 सितंबर से स्टार्ट कर लेंगे। वो जो हमारा एजुकेशन क्या कहते हैं, स्टडी क्या कहते हैं, एजुकेशन का मिनिस्टर है, उसने बोला था ना 14 सितंबर से होगा। हाँ सितंबर बोला था, लेकिन अब तुम देखो ना कोरोना के केसेस ऑलरेडी गिर रहे हैं। अगस्त का महीना रह गया गिर रहे हैं सर, और आई बिलीव के बाय द एंड ऑफ अगस्त लास्ट अशरे के अंदर ये लोग बता देंगे जी कि यूनिवर्सिटियाँ खोल दें, सारे एजुकेशन खोल दें, कोरोना खत्म हो गया। SOP तो देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, स्कूल खुल जाएंगे। कितने आ गए हमारे पास? 9 आ गए बस, ठीक है। तो कौन पढ़ेगा भाई? चलो अब खुलासा बताते जाए, समरी बस। नहीं, ऐसे नहीं है भाई, बाकी बैठे हैं उनको कुछ समझ नहीं आनी, समरी में कैसे आ सकता हूँ? मैंने तो आपको समराइज कर दी चीज, लेकिन मैंने आपको कुछ चीज दिखानी भी है ना कि किताब में उसके बारे में क्या कुछ है। तो मैं कहता कि somebody you can read about सर, तो टाइम लग जाएगा बहुत चैप्टर को रीड करते हुए, तो टाइम लग जाएगा बहुत, चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। चलो बेसिक चीजें बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है? यस सर। मेन चीजें बता दें ताकि समझ आ जाए। मेन चीजें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूं आप लोगों को। तो कहते हैं ये रिक्वायरमेंट्स सिस्टम की खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती, ठीक है? वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो एग्जिस्ट कैसे करेंगी? जब आप स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको जो बताएगा, तो वो जब आप डेवलप करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदरवाइज अपनी तरफ से आप रिक्वायरमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है? तो कहते जी कि इनको लिखने के लिए, एलिसिट करने के लिए लिखना होता है, एलिसिटेशन लिखना होता है। द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज टू आइडेंटिफाई द पार्ट, कि कौन सा पार्ट जो आपके सिस्टम का वो किस एनवायरनमेंट से आएगा, इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहा है, ठीक है?
और फिर वो किस तरह डेवलप करना है उनको, ठीक है। इसमें हम एक डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं समझा सकूँ, एक डायग्राम बेसिक से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, एंटीसिपेट द सिस्टम इन ऑपरेशन। एंटीसिपेशन होता है, एंटीसिपेशन होता है लेट्स सपोज इंक्लूड करना, ठीक है, सिस्टम इन ऑपरेशन एंटीसिपेट किया जाता है। सोच एंटीसिपेट बेसिकली क्या कहते हैं उसे, आप लोग जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस नहीं करते, खाम ख्याली करना उसको एंटीसिपेट कहते हैं, या क्या कहते हैं उसे हम लोग, ये जो हमारे होते हैं प्रेडिक्शन करने वाले, इनको क्या बोलते हैं उर्दू में हम लोग, नजूमी, हाँ नजूमी, नजूमीपन, हाँ ठीक है ना, तो नजूमी कह लो इसको, या इसको आप लोग और बोलते हैं वो जो दूर की सोचना, वो जो दूर की सोचना बोलते हैं उसका, कि दूर की सोच रखते हैं यार, उसको आगे का सोचना होता है कि क्या बन के क्या दिखेगा, उसको एंटीसिपेट बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो डेवलपमेंट प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फुलफिल द टास्क आइडेंटिफाइंग ऑल दोस मटेरियल्स एंड मटेरियल एस्पेक्ट दैट हैव अ रिलेशनशिप विद द सिस्टम। तो हमने क्या करना है कि जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस है आप लोगों का, जो आप लोग करना चाहते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि क्या चीज आपकी सिस्टम का पार्ट बनेगी, क्या चीज सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैं दूध की दुकान का ओनर हूँ और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, मेरी डेयरी की दुकान है। आप मुझसे पूछेंगे भाई आप लोग क्या डिलीवरी करते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ जी हम दूध की डिलीवरी भी करते हैं। इसका मतलब है दूध की डिलीवरी जो है वो सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप मुझसे पूछेंगे लेट्स सपोज के क्या आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, तो मैं कहूँगा हाँ ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेंगे हम लोग, और अगर कोई दुकान पे आता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी ले लेंगे, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जी मुझे कॉल आ रही है। अच्छा सॉरी जी फॉर दैट सॉरी। तो हम बात कर रहे थे सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो कहते जी उसके लिए फिर आप लोगों ने एक चीज को जो दूर की सोच होती है उसको आप उसके मुताबिक आप लोग सिस्टम को देखना स्टार्ट करते हैं, और आप उन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को पोटेंशली जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके सिस्टम को उनके बारे में सोचते हैं। जिस तरह आप बैंकिंग सिस्टम है भाई, बैंकिंग के साथ आप लोगों का अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो वो किस तरह होती है, आपको आइडिया है? कभी पहले कोई सिस्टम बनाया जिसके अंदर आपने किसी वेब पेज के ऊपर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके पेमेंट रिसीव की और पेमेंट वापस की? तो आपको आइडिया है, अगर आप किसी कंपनी में होंगे तो उनको आइडिया होगा, यस सर, नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। करना तो आपने नहीं है, डेवलपर ने करना है, लेकिन आप पूछेंगे ना डेवलपर जाके कि ये काम हो सकता है भाई, ये हमारे पास एक्सपर्टीज है इस काम करने की। अच्छा सेकंड पार्ट है जी हमारे पास डिलीवरी वाला। अब डिलीवरी वाला सिस्टम है तो आप लोग इतने शातिर और इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप सोचेंगे कि यार अगर मैं डिलीवरी सिस्टम लगाऊंगा तो मैं उनको कोई ऐसा सिस्टम भी दूं जिसमें वो देख सकें उनकी डिलीवरी अभी कहां तक पहुंची है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम। तो वो फिर आप उसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज उसमें जो आती है वो आती है जी आपकी सेल्स, ठीक है, कि सेल्स को आप लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है, तो इसका मतलब चार चीजें आप बेचते हैं, तो उन चार चीजों की क्वांटिटी कितनी बेकी, वो होता है ना उनके सामने एक इंटरफेस होता है ना, है ना, जिसमें नजर आता है कि आपने दूध एक लीटर खरीदा तो उसके अगेंस्ट 100 रुपए लिखेगा, 1.5 लीटर खरीदा, 2 लीटर खरीदा, 2 सेर, 3 सेर, 5 सेर, हाँ
तो क्वांटिटी कितनी है और आपने बेचा कितना। लड़कों आपके पास 10 लीटर था तो आपने 10 लीटर बेच दिया पूरे दिन में, या आपने कोई 12 घंटे में, सॉरी 12 बजे तक आप सारा दूध बेच चुके थे, तो इसका मतलब है कि आपके पास डिमांड ज्यादा है और आपके पास क्या कहते हैं सप्लाई कम है। तो ये सिस्टम जो है हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को कि कंप्लीट और करेक्ट चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें रिलेशनशिप निकालें बैटरी बीच में से कि इम्प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पार्ट ऑफ द सिस्टम एनवायरमेंट, अब ये जो आपकी दुनिया है इसका एनवायरमेंट का हिस्सा होता है ये बैंकिंग दुनिया में चल रही है ना, डिलीवरी सिस्टम भी दुनिया का पार्ट है, मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे डिलीवरी करनी है, ट्रैफिक दुनिया की चीजें। तो यहां पे उसने उसको बोला एनवायरमेंट, दैट इज रेलेवेंट फॉर द डेफिनेशन एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम टू बी डेवलप्ड। अब लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सिटी हूं, आप मेरे पास, मैं आपको बुलाता हूँ कि मेरी एक स्कूल सिस्टम है तो मैंने ना एक सिस्टम बनवाना है, तो क्या उस सिस्टम के अंदर आप लोग गाड़ियों के बारे में डालेंगे कुछ चीजें? नो सर। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ, क्या उस यूनिवर्सिटी के सॉफ्ट सिस्टम के अंदर आप पेट्रोल की प्राइसेस या गंदम और चीनी की प्राइसेस के बारे में लिखोगे? दोस्त है। अच्छा, क्या आप उसके अंदर लिखोगे कि पाकिस्तान से अमेरिका फ्लाइट कितने रुपए में जाती है? दोस्त सर, ये तो इररिलेवेंट चीजें हो जाएंगी सारी। जो इररिलेवेंट चीजें हो जाएंगी सारी, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि ये दुनिया से, एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्स्ट उठाया आपने, वो कॉन्टेक्स्ट आपके एजुकेशन लेवल से होना चाहिए। यस सर। आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई आप लोग यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं? मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप लोग फ्रेंच पढ़ाते हैं, जर्मन पढ़ाते हैं, है ना, मैथ पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, सारी स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, ठीक है, आपके पास बसें कितनी हैं, लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन बस यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, ठीक है। तो ये सारे रेलेवेंट एनवायरनमेंट से आपने चीजें उठाई, ये एनवायरनमेंट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट आपका एक, बच्चों से फीस भी लेते होंगे? हाँ जी लेते हैं। इसका मतलब आपका एक कॉन्टेक्स्ट फाइनेंस का भी है। आपके बच्चे लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, इसका मतलब है कि लाइब्रेरी का भी कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके अंदर किताबें कहीं से आती हैं आपके पास, ठीक है। फिर जी आपके बच्चे जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लाइब्रेरी यूज करते हैं, स्पोर्ट्स यूज करते हैं, तो स्पोर्ट्स का कूपन भी यूनिवर्सिटी में कहीं से आता होगा? हाँ जी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन होगी, एजुकेशन और डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर आप लोगों की मैनेजमेंट में रेक्टर है, डीजी है जी, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस सिस्टम के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट लगेगा। तो ये वो बात कर रहा है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट को जब आप लोग डिफाइन करते हैं तो आप एनवायरनमेंट से निकाल लेते हैं। तो एनवायरनमेंट एक पूरी दुनिया है। एक सेकंड, एनोटेशंस में आता है नहीं, व्हाइट बोर्ड का व्हाइट बोर्ड शेयर, व्हाइट बोर्ड। हाँ जी नजर आ रहा है? यस सर। एक दुनिया है, ठीक है, एक दुनिया है। इसमें से आपने क्या चीज उठानी है जो कि आपने बन जा भाई, मेरा जो है ना सर्कल अच्छा नहीं। ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपने क्या चीज ऐड करनी है ये मैटर करती है। इसमें फाइनेंस भी है, बैंकिंग भी है, इसके अंदर बहुत सी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेट है और बहुत कुछ है।
ये आप डेवलप करना चाह रहे हैं, ये पूरी दुनिया है, ये मैं छोटा बना बहुत बड़ा बनाना चाहिए था। तब इसके अंदर हमारे पास लेट सपोज मैंने कहा जी कि हमारे पास इसमें कॉन्टेक्स्ट है, एक ये 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 कॉन्टेक्स्ट है। समझ आ गई, कॉन्टेक्स्ट है बहुत सारी चीजें। अब इनमें से कौन कौन सा पार्ट आप इस सिस्टम में डालना चाहते हैं वो फिर यहां से निकल के यहां आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेरा माउस जो है ना वो अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है। और जी आपने फिर इसमें एक चीज और होती है, वही होती है कि आपने इनके साथ इनको कॉन्टेक्ट भी करवाना, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इसका कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉन्टेक्ट डायग्राम, समझ आएगा आप लोगों को? यस सर। अब ये जो है आप लोगों का मे बी यस सर बैंक हो जाए, ठीक है। ये आप लोगों का दूध वाले ना डिलीवरी हो जाए, ये आपका यूजर हो जाए, और ये आप लोगों का क्या हो जाए डिलीवरी बैंक और यूजर हो गया और सप्लाई, अरे इस तरह और भी हो सकते हैं। तो ये बैंक भी मैंने यहां से उठाया, डिलीवरी यहां से उठाई, यूजर भी यहां से उठाया, सप्लाई भी यहां से उठाई इस एनवायरनमेंट से, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। वापस आते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। अच्छा जी, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी हमारी। इसमें हमारे पास जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, कि लोग अपने सिस्टम में क्या कुछ डलवाना चाह रहे हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बोलेगा वो चीज आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम काम किस तरह कर रहा है। जैसा मैं कहता हूँ ना, मैंने ऑनलाइन पेमेंट लेनी है, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम का तरीकाकार है काम करने का, ठीक है। तो वो हार्डवेयर उसके लिए कुछ लगाना है आपने, कुछ सॉफ्टवेयर लगाना है, कुछ टेक्निकल सिस्टम चाहिए या हार्डवेयर चाहिए, वो आपको सोचना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम है, कुछ प्रोसेस है मैं कहता हूँ जी, मैं हूं ना ऐसा करता हूँ कि मैं, आप मुझसे दूध की डिलीवरी मंगवा लें या मक्खन की डिलीवरी मंगवा लें, जब मेरा बंदा आपके घर पहुंचेगा तो आप उसको पेमेंट दे दीजिएगा कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ना पेमेंट का, तो ये बिजनेस प्रोसेस है किस तरह काम होता है। मैं आपके घर, मेरा बंदा नुमाइंदा आपके घर आएगा तो आप उसको पेमेंट दे दीजिएगा, ये बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम आपको चीज पहुंचा देंगे। अगर आप कहते हैं जी कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घर पे नहीं होता, तो हम आपको रात को 8 बजे पहुंचा देंगे, जिस टाइम आप कहेंगे उस टाइम आपको दूध पहुंचा देंगे। तो ये बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। अब ये बिजनेस प्रोसेस मैं सिर्फ यूजर की बात कर रहा हूँ ना, अब ये सप्लाई का भी हो सकता है, ठीक है, ये बैंकिंग का भी हो सकता है कि अगर मैं अभी आज सैटरडे संडे को ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मंडे को नजर आती है, ओके। तो बिजनेस प्रोसेस की बात करें, इवेंट्स, टेक्निकल और फिजिकल इवेंट्स क्या हैं। लेट्स सपोज आपकी कहते हैं जी कि हम लोग ईद पे दूध 50% ऑफ देते हैं, ठीक है। तो वो जो ईद के दिन है उसमें कोई इवेंट्स क्रिएट होते हैं, तो उनके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। तो वो टेक्निकल है या फिजिकल इवेंट्स हैं क्या हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है कि जी आपने दुकान खोली है, क्या आपका दूध जो है वो किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ सर्टिफाइड है, क्या आप जो है वो टैक्स पेयर हैं, आप FBR से आपका रजिस्टर्ड कंपनी है, आप जो है वो हेल्थ वालों से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि जी कि आपका दूध बहुत अच्छा है, आप मिलावट नहीं करते, इससे कोई इंफॉर्मेशन है,
क्या आपके पास जो गाय आती है या भैंस का दूध आता है तो क्या वो किसी स्टैंडर्ड के ऊपर आता है, ठीक है। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो वो अगर उसके पास है तो वो आपको देगा ताकि आप उसके मुताबिक काम कर सकें। सर डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में होती है अगर कोई इस तरह करे तो? आजकल देखो लोगों ने कुछ ये जो फूड की आप लोगों की जो एजेंसियां हैं फूड अथॉरिटीज वाले इन्होंने लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं। सर तो सिर्फ पंजाब में ही थोड़ा बहुत चलता है, बाकी तो सिंध वगैरह या पख्तूनख्वा में तो नहीं है कुछ सीन, बलोचिस्तान में। यार अब क्या करें यार फैज, तुम चारों की मैं कहीं जाकर डूब मरूं तो प्लीज ना तुम इस तरफ ना आओ। पाकिस्तान में बहुत चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं है, बेशुमार चीजें नहीं है। टैक्स का निजाम भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं किसी चीज की। भाई क्यों करें डॉक्यूमेंटेशन, दो नंबर इतनी है। जब तुम्हारा और मेरा दो नंबर माल से पैसा कमाने के तरीके कार हैं वो रुक जाएंगे तो मैं क्यों चाहूंगा कि ये काम हो, मुझे बताओ। यस सर। हां तुम चाहोगे सर, मगर बाहर तो हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन होती है ना। मैं आज मैं बताऊं आपको कि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसके अब्बा जान मेरा मतलब मेरे बचपन का दोस्त है, उसके अब्बा जान उसको कह रहे हैं कि यार बेटा इस बार बड़ा टैक्स आया है, बड़ा टैक्स देना पड़ गया प्रॉपर्टी का। हाँ बाहर बाहर की बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बार बड़ा टैक्स आ गया, टैक्स देना पड़ गया बड़ा ये और फलाना। तो उसने कहा, उसने बच्चन से कहा कि पहले आप टैक्स कम क्यों देते थे? कहते वो यार हम कम करवा लेते थे, जाके ये होता था वो होता था कुछ करवा लिया करते थे लेकिन अब कम नहीं होता। तो उसने कहा जी कि हाँ हूँ सीधे तरीके से टैक्स दिया जा रहा है ना इसलिए ज्यादा लग रहा है, उन्हें पहले दो नंबरियां करके टैक्स कटवा कम करवा दिया जाता था। तो उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा केस था, अब टैक्स पूरा देना पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान में ये हाल है सर। मैं अक्सर जब भी डिस्कस करता हूँ ना बिजनेस का तो मैं कहता हूँ कि मैंने बाहर जाके करना है ना बिजनेस, तो मुझे अक्सर लोग राय कर देते हैं कि बाहर जाओगे तो आधी जो रकम तुम अर्न करोगे उससे आधी से तुम्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान में कहो यहाँ कोई पूछ गुछ नहीं है, यहाँ पे मौजे हैं, मुझे ये राय देते हैं अक्सर लोग। देखो बात जो आपका ऑडिटर आता है ना अकाउंटेंट आता है वो आपको बताता है कि आपने टैक्स किस तरह बचाना है, ठीक है। अच्छा क्या शो करना है, टैक्स पैसा कहाँ गया किस तरह गया, तो ठीक है फाइन। लेकिन देना तो हर चीज होगी कंप्यूटराइज होगी ना इवन पाकिस्तान में भी, ताकि पता हो कि इनकम का हर चीज का पता हो, फिर लोग राय देते हैं कि कंप्यूटराइज होगी तो फिर ये ना हो कि एफबीआर वगैरह कभी भी आगे चेक करते हैं कंप्यूटर वगैरह, फिर टैक्स ना दिया तो पकड़ा जाता है बंदा, तो कंप्यूटर भी रखने का फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि एफबीआर वाले जो बंदे बैठे हैं वो इतने एफिशिएंट हैं कि वो आपके पास आके चीजें चेक करने बैठ जाएंगे। कभी भी हो सकता है ना, अगर अरबपति हो जाए तो शायद वो आप लोगों को चेक कर लें, या अरबपति हो जाए तो आपको चेक कर लें, वरना मेरी तरह तुम्हारी तरह के बंदों को चेक नहीं करता जिनके इनकम। अगर आपका बिजनेस ग्रूम कर, अगर चेन अगर आपने खोली है वो चल पड़ी है फिर ही। देखो मेरे ख्याल में आप बताऊँ, अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है तो ये एफबीआर वाले दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू। यस सर। हाँ अगर आप हफ्ते के 50 लाख कमा रहे हो तो फिर वो शायद आपके पास आए पूछने की टैक्स दे रहे हो, क्योंकि अगर आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो आपके पैसे को लिजिट कर रहा है, ठीक कर रहा है कि जी कहाँ पैसा जा रहा है कहाँ पैसा आ रहा है, ठीक है, वो अगर शो करा सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो यही तो बात है कि ये जो नवाज शरीफ वगैरह को पकड़ा था इन्होंने, ये जो रोते हैं बैठ के, और ये जो हमारे छोटे सोच वाले लोग हैं कि जी ये कौन अपने पास रखता है, जी मैंने कब घर खरीदा था और मैंने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी, भाई इनके लिए जब आप अरबों रुपए में आते हैं ना तो आपके पास अकाउंटेंट्स होते हैं। जब आपका पैसा अरबों में इधर से उधर मूव कर रहा होता है ना या करोड़ों में इधर से उधर मूव कर रहा होता है तो आपके पास अकाउंटेंट होते हैं कि जी मेरे बैंक अकाउंट में 1 अरब रुपए पड़ा हुआ है तो उसमें से मैंने अगर 15 करोड़ रुपए इधर खर्च किया तो उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी या मैंने प्रॉपर्टी बेची या मैंने गाड़ी खरीदी गाड़ी बेची, उसके सारे आपके पास सबूत होते हैं। ये मेरी तरह तुम्हारी तरह के बंदे जो कमाते 50,000 रुपए और जी बिल दे दिए जी 25,000 रुपए तो पीछे रह गए 25,000 तो वो हमने खा लिए तो उसका कोई पूछताछ नहीं है, तो ये यार कभी आपसे पूछेगा भी नहीं आके कि 50,000 तुमने कैसे खर्च किया, वो आपसे ये पूछेगा हाँ भाई तुम्हारे पास 50 करोड़ आया किस तरह, 50 करोड़ से आप 1 अरब पे चले गए। तो देखो उसमें लीगल चीजें जो होती हैं वो आपने रखनी होती हैं, ये बच्चों वाली बातें नहीं है कि जी हमें क्या पता हमारे तो दादा ने चीजें बना रही थी और जी उससे हम लोग करोड़पति हो गए, तो जी तो तुम्हारे दादा ने क्या बनाया था और तुमने क्या बनाया था, वो किधर से कहाँ से किस तरह ट्रांसफर हुआ किस तरह हुआ दिखाओ ना हमें,
उन्हें जी उसकी कोई हमारे पास वो ट्रेल नहीं है, ये क्या बात हो ट्रेल नहीं है भाई तुम्हारे पास। हाँ तो बस ये, तो ये वो बातें हैं जो कि आपके अकाउंटेंट जो है अगर वो आज सियाने हो तो वो आप उनको गाइड करते हैं, बताते हैं सर इतना इतना पैसा अगर आप लेट्स सपोज गाड़ी पे खर्च कर भी रहे हैं तो आप कंपनी के नाम पे गाड़ी ले लें, अपने नाम पे गाड़ी ना लें, आप कंपनी के नाम पे गाड़ी इस्तेमाल करें। तो मतलब बड़ी चीजें होती हैं, जिस तरह मेरी अभी बात हुई थी मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी किस्तों पे, अभी मेरी चल रही है प्रॉपर्टी, तो वो जब मैं लिखने लगा कि एफबीआर वालों को कि मेरी वो एक प्लॉट लिया हुआ मैंने जिसकी मैं किस्तें देता हूँ ना, तो जो मेरे साथ सर रजा बैठे थे वो ही इज वेरी गुड अकाउंटेंट टाइप ना बंदा, तो मुझे कहने लगा सर इसकी प्राइस के, इसकी प्राइस से मैंने लिखा मैं इसको, मैं सर इसकी प्राइस जो है ना कोई कोई 22 लाख रुपए, तो सर रजा कहने लगे नहीं इसकी 22 लाख प्राइस नहीं लिखना, इसकी तुम 30 लाख प्राइस लिखना। तो मैं क्यों, तो कहने लगे कि अगर कल को तुम्हें बेचना पड़ गया ना ये प्लॉट, क्योंकि अभी तो तुम बेच नहीं रहे, तुम तो उसको लेट्स सपोज 5 साल बाद बेचोगे, ठीक है, 5 साल बाद उसकी कीमत अगर बढ़ बढ़ के हो गई 50 लाख रुपए, ठीक है 50 लाख रुपए, और तुमने अगर लिख दिया 20 लाख लिख दिया और तुम्हें प्रॉफिट हुआ 30 लाख का, तो गवर्नमेंट अपने 30 लाख के ऊपर टैक्स ले लेगी। तो अगर तुम यहाँ लिखोगे ना 30 लाख का प्लॉट है और तुम इसको बेचोगे 50 लाख का, तो तुम्हें 20 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, समझ आई आपको। अकाउंटेंट आप लोगों को इस तरह के मशवरे देते हैं कि जी कि इस तरह प्रॉपर्टी में या पैसा किस तरह आप लोग टैक्स बचा सकते हैं, ये बात टैक्स बचाने की होती है, ये लीगल चीजें हैं, इसको वो लोग बॉदर भी नहीं करते। वही अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं वही प्रॉपर्टी मैंने 30 लाख की लिख दी और अब मैंने मजबूरी में प्रॉपर्टी कल बेच दी और मैंने वो दिखाया कि जी मैंने 25 लाख की बेची, मैं दिखाऊंगा 5 लाख का मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, तो खैर वो अलग बातें हैं। मैं आपको बता था कि अकाउंटेंट्स आप लोगों को हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड्स वगैरह की चीजों के अंदर, बिजनेसेस वगैरह के अंदर, तो इनका इनका मकसद है अकाउंटेंट का। हमारे यहाँ लोग तो इनको लिफ्ट नहीं कराते ना, अकाउंटेंट यार ये कौन रखेगा, लॉयर ये कौन रखेगा। भाई जब आप लोगों के पास इतना पैसा आ चुका होता है तो फिर लीगल चीजें भी आती हैं, तो उसके लिए वकीलों से मशवरे लेना या आप लोगों की जो मिनिस्ट्रियां बैठी हुई हैं इनसे एनओसीज लेना, ठीक है, रूल्स पता होने चाहिए, लॉज पता होने चाहिए आप लोगों को जी कि मैं अगर एक दूध की दुकान चला रहा हूँ तो उसके क्या रूल्स एंड क्या लॉज हैं, हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड हेल्थ क्या कहता है उसके बारे में, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कोई आपके पास डेयरी है तो वो उसके बारे में क्या बोलती है, तो इस तरह चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि हमारे लोगों को नहीं पता होती ना, वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यस सर ऐसा ही है। तो अगर आप अपने आप को लिजिट कर लें कि जी मैं तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर सारे काम जो उन्होंने कहा है वो कर रहा हूँ, तो आपको हाथ नहीं डाल सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप उसको ले जाएंगे उठा के कोर्ट में। यस सर। और कोर्ट में फिर जो जज बैठा होगा अगर वो पैसे ना खा ले अल्लाह तो बस अस्तगफार, पता नहीं क्या करेंगे किधर जाएं। अगर हमारा जमीला सिस्टम भी वैसे ही है। हाँ जी, वो अगर ऐसा ना करे तो फिर आप लोगों की बख्शिश हो सकती है, अदरवाइज फिर आप दिल और वो जो कितना सब कुछ हार के बैठ जाते हैं, ये तो सिस्टम ही हमारा सारा बेकार है। पंजाब भर की मार्केटें आज रात 12 बजे से लेकर 5 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। 12 बजे से 5 बजे तक 5 अगस्त तक। आज से सर पंजाब वाले इतने वो सुनने वाले हैं कि पंजाब वाले नहीं सुनते बिल्कुल भी, वो तोड़ निकलेंगे। अब यार ये मैंने आपको बताया ना, ये 15 अगस्त तक की गेम है, उसके बाद खत्म हो जाना सारा खाता। अभी अभी ईद आ रही लोगों ने, तो अभी सही निकलने बाहर। इन्होंने पहले छोटी ईद पे यही किया था ना जो कोरोना वायरस था, और कैसे बड़ा है। यस सर, कोरोना ने तो फिर मत मार दी थिंकी। जी तो फिर कोरोना देखा आपने किस तरह मल्टीप्लाई हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिनों में गया सर ऊपर गया। जी जी सर, कुछ तो कह रहे हैं मुहर्रम तक चलेगा ये। तो मुहर्रम आज स्टार्ट होने वाला है, ईद हो जाए खत्म। समय गूगल पे उनके ग्राफ सितंबर में है सर, वो तो वही ना, ईद खत्म हो जाए ये अगस्त का महीना, तो आपका सितंबर से मुहर्रम, सितंबर मुहर्रम। हाँ जी मुहर्रम सफर अभी लेवल आ रहा है फिर आगे। खैर मैं नोटिस देख रहा था, एक दो नोटिस और आए हुए थे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के आए थे, मैंने कहा तुम्हें बताऊं, बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं आजकल दुनिया में हमारे पाकिस्तान में।
खैर नहीं भी मिलेगी तो बताऊंगा आप लोगों को, कोई नोटिफिकेशन आया तो ठीक है। ये कहते हैं कि चाइना और अमेरिका की दरमियान ही पूरी दुनिया में जो सफर कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर थ्री के नाम से, की वर्ल्ड वॉर थ्री है ये कन्वेंशनल वॉर कराती है ना, ये इंटरनेट की वॉर है सारी, ऐसा ही है। आमिर अजीम बाजवा साहब पीटीए के चेयरमैन बना दिए गए, मुबारक हो। आमिर अजीम बाजवा ही कौन है सर? ये जनरल मेजर जनरल साहब हैं कोई होंगे, पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन बना दिए गए। अब इन बुटों को हमारे पास पे कितनी आ रही है, इन बुटों को और मतलब नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, कुछ नहीं पता, चेयरमैन बन के बैठे हैं। आर्मी को पीटीआई बहुत इन्वॉल्व कर रही है हर चीज में, आर्मी को इन्होंने लगा दिया, क्या करें, ऐसा ही है। सही आसिम बाजवा है, कौन सा आसिम बाजवा नाम है, आसिम बाजवा नहीं, जनरल का कुछ और नाम है। अच्छा इन जनरल का नाम है आमिर अजीम बाजवा, आमिर अजीम बाजवा सर हर जगह जनरल ला रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा, हर जगह आर्मी इन्वॉल्व कर दी लोगों ने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जबरी गुमशुदगी के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आई जी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी डिफेंस को 20-20 लाख को जुर्माने के साथ नौकरी से निकालने का हुक्म दे दिया। चलो जी सही, तो जज इतने हैं हमारे कि वो ज्यादती नहीं हो देते, ठीक है। चलो जी वापस आए, वापस आए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरनेस एंड इनकम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट कंसिडरेशन, अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो वो आपसे बाद में पूछेगा, हाँ भाई मैंने तो कहा था ऑनलाइन बैंकिंग होगी, वो किधर है, ओ हो वो तुम भूल गए, तो वो कहते हैं एरर नहीं आना चाहिए, चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीइंग अ प्रोफेशनल, वो सिस्टम को समझता है, वो आईटी को समझता है, वो बिजनेस को समझता है, वो बिजनेस एनालिस्ट होता है। बिजनेस एनालिस्ट का जॉब होती ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी, लोगों से मिलना, उनके सिस्टम को समझना, उनकी डोमेन को समझना। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, मार्केट में इस सिस्टम के वर्ड को डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब है कि उसकी बिजनेस की दुनिया कितनी बड़ी है। यस सर। तो वो आप लोग जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे ना, तो उनकी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज एक या दो प्रोडक्ट उनके पास किसी कंपनी के काम चल रहे होंगे या वो ऑलरेडी उसकी सपोर्ट दे रहे होंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम की वो ये लोग डोमेन बोलते हैं कि डोमेन की नॉलेज कितनी है आपको, कि वो बिजनेस किस तरह चलता है, किस तरह काम करता है, तो उसको ये लोग डोमेन बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि डोमेन की नॉलेज कितनी है। डोमेन का टेस्ट होगा जी आप लोगों का, पता है आप लोगों का, आप लोगों के पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कंपनीज हैं वो आपसे डोमेन का टेस्ट भी लेती हैं टू अंडरस्टैंड की जी आप लोग सिस्टम के बारे में कितना पता है। मगर सर डोमेन का टेस्ट नहीं देंगे वो, तो सर एटमॉस्फेयर नहीं होता अंदर जो काम का हो रहा होता है, वो जब हम वहां जाएंगे तब पता चलेगा। प्रमोशंस की बात कर रहा हूं, अच्छा जब आप कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, आपने वहाँ पे एक दो साल काम कर लिया, आप कहेंगे सर हमारे कुछ पे बढ़ा दें, तो वो कहेंगे बेटा आओ ना जरा डोमेन का टेस्ट, तो फिर आपकी पे बढ़ाते हैं, आपको प्रमोशन भी देंगे, तो वो आपसे फिर सवाल करेंगे, पूछना स्टार्ट करेंगे, हाँ जी दूध कहाँ से आता है, दूध किस तरह लीटर होता है, दूध की स्टैंडर्ड्स क्या है, पता है आपको जो आप सिस्टम प्रोडक्ट चला रहे हैं। तो फिर अगर आप उसमें चीजों जो आपको नहीं पता होती, डेटाबेस के अंदर जी डेटाबेस क्या बना हुआ है, डेटाबेस के अंदर ये जो फील्ड लिखी हुई इसका क्या मतलब होता है, हाँ ये कोडिंग के अंदर फलां चीज़ है, इसका क्या मतलब है कि लिमिटेशंस क्या है इसकी और फलां फलां, फिर वो आपसे वो पूछना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको उस चीज़ों के जवाब पता होते हैं, अगर आप पास कर जाते हैं तो वो आपको फिर तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये की रेस मिल जाती है हर साल। सही, तो ये वो बात नहीं है क्लास में बैठे हुए हैं भाई ऑन करके सो गए, ठीक है, तो 4 बजे उठ के जी ऑफ करके चले जाएंगे, तो वो 9 बजे हो गए, पहले 13 थे अब 9 हो गए। हाँ कोई नहीं, तो बात ये कि आप लोगों को मैं हमेशा वही पता बात करता हूँ कि जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो फिर वो आप लोगों की बचकाना हरकतें खत्म हो जानी चाहिए, आप लोगों को सीरियस होना चाहिए अपनी जॉब के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर तब पैसे मिलते हैं बंदा सीरियस हो जाता है। कौन है चैट में, क्या है? अच्छा अब्दुल रहीम है। ओके सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एंड रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को देखना है आपने, कॉन्टेक्स्ट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं और आपने रिक्वायरमेंट्स उनमें से कौन कौन से निकालनी है। कहते हैं ओरिजिन जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी शुरुआत ही
कॉन्टेक्स्ट से होती है, ठीक है, जो आप सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेक होल्डर, पर्टेनेंट स्टैंडर्ड्स, पर्टेनेंट होता है, पर्टेन होता है इंक्लूड करना, पर्टेन का मतलब होता है इंक्लूड, कौन से स्टैंडर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, लीगल गाइडलाइंस क्या है उसके ऊपर, फंक्शनल प्रॉपर्टीज सिस्टम की क्या है जो आपने डेवलप करनी है, इंटरफेस में आपने क्या कुछ डालना है, क्या कुछ दिखाना है, ठीक है। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हासिल करते हैं कॉन्टेक्स्ट में से। जिस तरह आपने अगर बैंक में पेमेंट की ना ऑनलाइन, तो कहीं पे लिखा तो नजर आया ना कि जी पेमेंट इज डन, तो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो विद इन 2 डेज आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, तो ये इंटरफेस पे क्या कुछ दिखाना है वो उसकी बात कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स देयरफॉर डिफाइन फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड करेक्टली इन रिगार्ड टू दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स रखी है तो आपने उनको उस कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो बैंकिंग का कॉन्टेक्स्ट हो चाहे जो भी कॉन्टेक्स्ट, उस लिहाज से आपने उसको करेक्टली इंटरप्रेट करवाना है कि जी के इस लिस्ट होता है ना, अगर आप बैंक में ट्रांजेक्शन, आपकी बैंक में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है ना, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड इसका मतलब है कि आपका पैसा ट्रांसफर हो गया, या आप ये भी लिख सकते हैं वी हैव रिसीव्ड योर मनी, योर डिलीवरी विल बी इन 2 डेज। हाँ, तो वहां पे ये ना लिख देना अच्छा जी ओके अल्लाह हाफिज, वो कहेगा चलो जी मैं फ्रॉड करके भाग गया मेरे से, ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो कह रहे जी कि आपने क्या होती है उसमें, क्या टर्म इस्तेमाल होती है वो आपने वहाँ पे सही तरह लिखनी है, ठीक है। अगर वो कहते हैं अगर आप इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन करवाएंगे रिक्वायरमेंट्स की कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, पर्पस ड्रिवन डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम कॉन्टेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, तो कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको आप करेक्ट ही डिफाइन करें, ठीक है। द लोअर द लाइकलीहुड ऑफ, तो आप जितना उसको बेहतर लिख सकेंगे उतनी लाइकलीहुड कम है कि जी वो आप उसको गलत पढ़ सकें या गलत समझा सकें लोगों को, क्योंकि अंग्रेजी भेजी जाती है ना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा तो आपने उसको पढ़ना है, तो पढ़ने से आप लोग गलत ना उसको इंटरप्रेट कर लें, बस ये बात कर रहा है, या लिखी हुई चीज को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, तो सही तरह लिखना है आपने। सिस्टम में कहते हैं जी सिस्टम में और कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री को डिफाइन किया जाता है, तो ये देखें आपके पास पहली बात कहता है डिफाइन सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री ये है आपके पास, ये वाइट रंग की नजर आ रही है, यस सर, सिस्टम बाउंड्री। अब कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि ये सिस्टम छोटू सा है, ये बड़ा हो जाएगा अगर इसमें और चीजें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। व्हेन डिफाइनिंग सिस्टम बाउंड्री अ डिसीजन हैज टू मेड Which aspect pertain to the system? Pertain मतलब कौन सा system का हिस्सा बनेगा? To be developed and which aspect belongs to the system context? क्या चीज बाहर छोड़ देनी है, क्या चीज अंदर लेकर आनी है? System boundary वो होती है। तो जो चीज system boundary के अंदर आ गई वो system का part बन गई, जो system से बाहर आ गई वो environment का part बन गई। और environment के अंदर देखें, ये देखें environment लिखा है ना ये नीचे, मेरा माउस नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes sir। ये देखें irrelevant environment, ठीक है, मेरा काम है यूनिवर्सिटी का, तो इसमें बैंकिंग या इसमें गाड़ियों की प्रोडक्शन, इसमें दूध की प्रोडक्शन, इसमें पानी की फिल्ट्रेशन, सारा इरेलेवेंट एनवायरमेंट है मेरे लिए, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस मेरी यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे जी के नहीं जी हम तो यूनिवर्सिटी वालों को पानी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर मैं यहाँ से एनवायरनमेंट में से पानी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उठा के यहाँ अंदर लेकर आऊंगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिर उसमें से कुछ चीजें सिस्टम में डालूंगा, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के सामने देखें ये कॉन्टेक्स्ट की बाउंड्री है, जिसके अंदर से एनवायरनमेंट से आप कुछ उठा के कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं और उसमें से कुछ चीज निकाल के सिस्टम में डाल देते हैं। तो ये बड़ा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, और फिर सबसे छोटा डब्बा जो आपका है, समझ आ गई आपको? Yes, sir. Let's suppose मैं इसको आसान ज़बान में कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आम होते हैं, उनमें से कुछ आम आपके शहर में आते हैं और उनमें से कुछ आम आपके घर में आते हैं। Good example, sir. Yes. तो ये आपके लिए आसान है, इस तरह समझा सकता हूँ। तो दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ चीजें उठा के आप कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं जो आपके सिस्टम से रेलिवेंट होती है, और उनमें से कुछ चीजें उठा के आप सिस्टम में डालते हैं जो सिस्टम का पार्ट बन जाता है। Context boundary, context boundary क्या होती है? Define the question is to be answered is which aspect pertain to system context. तो ये environment में से कौन सा हिस्सा system के अंदर context का
के अंदर आएगा वो आपने यहाँ से उठा के इसमें डाल देना, ठीक है। तो pertain का मतलब होता है इंक्लूड करना, उसका हिस्सा बनना। Which aspect pertain to the system context? को हिस्सा बनेगा सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का। Have a relation to the system, और फिर उसका सिस्टम से रिलेशनशिप क्या होगा। तो आप वो चीजें नहीं डालते कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसका जो सिस्टम का हिस्सा ना बने, वो चीज डाली जाती है कॉन्टेक्स्ट में जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगी आगे, ठीक है। अच्छा, सिस्टम बाउंड्री के बारे में आपको बता दिया। सिस्टम बाउंड्री जो होती है separates the system to be developed from its environment, ठीक है। तो environment से अलग कर दिया जाता है, तो वो जो अलग चीज कर दी जाती चीज वो सिस्टम बाउंड्री होती है। सेपरेट करती है रियलिटी को दैट कैन बी मॉडिफाइड और altered बाय द